हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेडी शर्ट का ड्राफ्ट दे रही हूँ, और जो मैं ये मैंने पहले भी दिया है, लेकिन अब मैं दोबारा से दे रही हूँ, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैडम, मुझे ऊपर से तो समझ आ गई है, नीचे से समझ नहीं आई कि आपने नीचे तीरे तीरा और आर्म होल की समझ आ गई है, और नीचे ड्राफ्ट दोबारा से एक बार समझाएं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सब्सक्राइबर बड़े ध्यान से मेरे वीडियोस देखते हैं। ऐसे ही देखते रहें, क्योंकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के यूट्यूब में डालूं। और अब ये ध्यान से देखना, एक बार फिर से मैं दोबारा से समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो, शर्ट की लंबाई 40 है। ये मैंने ऐसे नाप लिखा है कि जैसे आप शर्ट बिछाते हो ना, उसका नाप लिखते हैं। मैंने शर्ट का नाप लेना भी बताया है, एक बार मेरी पिछली वीडियो देखना, मैंने नाप लेना भी बताया है। जैसे लंबाई 40 है, चेस्ट 20 है, और वेस्ट 18, हिप 22, बॉटम घेरा 22, तीरा 14। सबसे पहले हमने तीरा ले लेना है, जैसे 14 है, 7 इंच तीरा ले लेना है। ये मैं लिख भी रही हूँ, 7 इंच तीरा, और आधा इंच प्लस मुड्ढा कर लेना है। ये मैं लाइन लगा रही हूँ। ये हमारा मोढ़ा है 7.5 इंच। और जैसे चेस्ट 20 है ना, 20 का हमने, मैं आपको समझाती हूँ, 20 का हमने 1/2 कर लेना है, ठीक है। ये हमारा आ गया 10 इंच आ गया, और प्लस हमने 2 इंच सिलाई हक रखना है। ये हमारा 12 इंच आ जाएगा, चेस्ट हमारी 12 इंच आ जाएगी। ये चेस्ट हमारी 12 इंच आ गई। और चेस्ट के बाद हमने कमर की लंबाई लेनी है, कमर तक लंबाई लेके फिर हमने कमर की चौड़ाई लेनी है। जी मैं 14 इंच ले रही हूँ। ये लेंथ के हिसाब से लगाते हैं हम निशान, 13, 14, 15 के बीच बीच में, ठीक है। और ये हमारी जैसे वेस्ट है हमारी 18 का भी हमने 1/2 ले लेना है। ये आ गया 9 प्लस 2, 11 इंच, ठीक है। ये हमने 11 इंच लेना है। मैं बहुत इजी ढंग से ड्राफ्ट समझाती हूँ, आप इस ड्राफ्ट से देख के आप कोई भी आप नाप की शर्ट तैयार कर सकते हो। इसको हमने ऐसे मिला लेना है, ठीक है। ये हमारी 11 इंच वेस्ट है, और जो हिप है, हिप 21 और 22 इंच के बीच में लेनी है। चार छोटे बड़े हो जाएंगे, आप 21 भी ठीक है और 22 भी ठीक है, ठीक है। मैं 21 इंच ले रही हूँ, 21 इंच तक ये निशान है। ये मैं लिख रही हूँ, 14 इंच हमने कमर तक लंबाई ली, और 21 इंच हमने हिप तक लंबाई ली, ठीक है। और हिप हमारी जैसे 22 है, 22 का भी 2 ले लेना है, और ये हमारा हो गया 11, ठीक है। इसमें हमने 1.5 इंच प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि 1.5 इंच इसलिए प्लस करते हैं, तरपाई अच्छी तरह से हो जाती है साइड की। जी हमने 11.5 का निशान, जैसे जे 12.5, ठीक है। ये हमारा निशान हिप का हो गया 12.5, और बॉटम भी सेम है, ठीक है। बॉटम भी हमारा 22 है, बॉटम भी यही आएगा, जहाँ तक हमारी लेंथ हो जाएगी। लेंथ में हमने प्लस 3 इंच जरूर करने हैं, ठीक है, फोल्ड करने के लिए, ऊपर जो तीरे की सिलाई आती है, ठीक है। 40 प्लस, जी मेरा 42 इंच आ रहा है, आप 3 इंच प्लस करने हैं, ठीक है। और यहाँ घेरा ले लेना है सेम, ये 12.5, ठीक है। ये हमारी हिप हो गई, मैं डार्क कर रही हूँ निशान। जी मैंने ना 2 पेपर जोड़े थे, क्योंकि एक पेपर पर लेंथ नहीं आती, इसीलिए मैंने 2 पेपर
आप स्टेपलर कर लें, सुई धागे से जोड़ लें, मशीन से जोड़ लें, ठीक है। ये वाला हमने, ये हमारे चाक हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने निशान ले लिया, ठीक है, लगा दिया है। और ये हमारा कमर और हिप का निशान, और अब हमने तैयार का भी निशान लगाना है, ठीक है। जैसे ये हमारी, ये देखो 10 इंच तैयार का निशान लग गया, 20 है ना, 20 का आप 10 ये सिलाई है क्या। और ये हमारा कमर का निशान लग गया, और ये हमारा तैयार हिप का निशान लग गया, और ये हमारा तैयार घेरे का निशान लग गया, ठीक है। और ये हमने फिर आपस में इसको मिला देना है, ठीक है, फिटिंग के निशान। बड़ी कोई नहीं, बाकी प्लस कर लेंगे, ठीक। अब हमने तीरे की शेप का निशान लगाना है, 1/2 इंच तीरे की शेप हो गई, और गले की चौड़ाई 2.5 इंच हो गई। अब हम इसको आपस में मिला देंगे, ठीक है। और ये जो 7 इंच लाइन बचती है, इसका हमने 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो फिटिंग का निशान है, जो जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया ना, ऐसे हमने गुलाई डालनी है, ठीक है। और ये 1/2 इंच या 1/4 इंच अंदर की ओर लेके, ये ना हमारी क्रॉस चेस्ट हो जाती है, इसको हमने आपस में मिलाना है। और ये हमने सेकंड गुलाई डालनी है, ठीक है। ये हमारी फ्रंट गुलाई है, मैं लिख देती हूँ, ये हमारी फ्रंट में आएगी और ये हमारी बैक में आएगी, ठीक है। और ये हमारा गले का, नेक का निशान लगा रही हूँ, बाद में आप, मैं आपको बुकरम के भी गले बताऊंगी। अब ये सिंपल है, 6.5 इंच या 6 इंच पर निशान लगा लेना है, फ्रंट का गला और बैक का गला 4 इंच, आप मर्जी अनुसार ले सकते हो। और ये हमने निशान लगाना है, वैसे ही 2.5 इंच का निशान लगा लिया, और ये वाला हमने फ्रंट का निशान लगा लिया, और ये हमने 1/2 इंच अंदर की ओर लेना है गुलाई डालने के लिए, इधर भी अंदर की ओर 1/2 या 1/4 इंच अंदर की ओर निशान लगा के। और ये निशान इसीलिए लगाते हैं कि हमारी ये गुलाई अच्छी तरह डल जाए। ये हमारा फ्रंट गला है और ये हमारा बैक गला है। देखो कोई कंफ्यूजन, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, सारा नाप भी लिख दिया है। नाप के अकॉर्डिंग मैंने बेस बनाया पहले, फिर मैंने आपको शोल्डर की कटिंग, आर्म होल की और नेक की कटिंग बताई है। होप है आपको अच्छी तरह से अब समझ लग गई होगी। और आपको कोई भी ड्राफ्ट आपने समझना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको सभी कुछ अच्छी तरह से बताऊंगी। और प्लीज़ आप मुझे लाइक, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मैं कैसी वीडियो डालती हूँ, अच्छी हैं। और मुझे जो नई है सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।